उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन आस्तीन में पड़ रहा सांप वाली कहावत उस समय सिद्ध हो गई, जब पोशाक व्यापारी दिनेश अग्रवाल को उसी के कारीगर हरीश ने मालिक के बेटे नेश अग्रवाल का फेसबुक से फोटो डाउनलोड कर तथा एक अन्य अर्थ नग्न लड़की की तस्वीर कहीं से लेकर एक फोटोशॉप ऐप सॉफ्टवेयर के द्वारा मोरफ करके दोनों फोटो एक साथ कर उस फोटो व एक चिट लिफाफे में रख कर तथा अपनी दबंगई दिखाते हुए अपना फोन नंबर भी लिख दिया और 2 लाख रुपए पैसे की मांग की। ना देने पर फोटो वायरल करने की भी धमकी देते हुए जगह जगह रुपए पैसे लेकर बुलाया गया था, लेकिन पोशाक व्यापारी ने निर्भीकता का परिचय देते हुए पूरी घटना की सूचना प्रभारी निरीक्षक वृंदावन को दी। पुलिस ने बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सदर व प्रभारी निरीक्षक थाना वृंदावन व स्वाट टीम ने दबिश देकर आज अभियुक्त हरीश पुत्र बच्चू, सोनू पुत्र अनिल व सोहेल पुत्र मो सभी निवासी गण कोरा नगर वृंदावन को जुगल घाट से गिरफ्तार करते हुए प्रयोग में लाए गए CPU आदि उपकरण बरामद कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। पेश है मथुरा के संवाददाता अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। ऐसा हुआ कि कल की बात है, ये कल पापा ने कल सुबह दुकान खोली है 10 बजे, तो जैसे ही उन्होंने दुकान खोली है शटर के नीचे उन्हें एक लिफाफा मिला, लिफाफे पे लिख रहा था गुड्डू, जो कि मेरा निक नेम है, और उसके अंदर थे मतलब उसके अंदर उन्होंने एक फोटो था जिसमें मेरा फोटो था, उसके साथ एक लड़की का फोटो जो कि एक एडोब फोटोशॉप करके लगाया गया जी, जी, मतलब फोटोशॉप करके लगाया हुआ था जी, जी। तो जैसे ही उन्होंने देखा उनके मतलब हैरान हो गए, और उसके अंदर एक वो रखी हुई थी, क्या कहते हैं, एक जो धमकी भरी पर्ची, उस पर लिख रहा था कि ये तेरा बेटा है और अगर तूने 2 लाख रुपए 2 घंटे के अंदर नहीं दिए तो 3 घंटे इसको वायरल कर देंगे, इस तरीके से लिखा हुआ था। और उसके बाद एक ये देखते ही फिर हम एकदम भयभीत हो गए, एकदम डर गए, ये क्या है। फिर हमने उसको फ़ोन मिलाने की कोशिश करी, तो हमने उसको फ़ोन मिलाया खूब देर तक मिलाया, लेकिन नहीं मिला। एक बार को मिला शाम को, तो उसने बताया कि आपने पैसे 2 लाख रुपए लेके गरुड़ गोबर मंदिर छठीगरा आ जाओ, गरुड़ गोबर मंदिर। तो उसने वहाँ बुलाया, लेकिन हम वहाँ गए नहीं, हमने सीधे थाना बाके बिहारी पुलिस स्टेशन में रपट लिखा दी जी, जी। सर के पास आ गए, सर ने एकदम अपनी टीम एक्शन से भेजी, हम सर के साथ गए एक्शन से, बिल्कुल क्या कहते हैं मतलब सर मतलब पूरी प्लानिंग से सब कुछ हो रहा था एकदम ढंग से, पकड़ने के लिए सर जा रहे थे एकदम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और आज कल रात के 12 बजे समथिंग हम पे खबर आई कि वो पकड़ लिए गए हैं, मुजरिम जो है पकड़ लिए गए हैं। तो हमने देखा जो मुजरिम मिला वो क्या कहते हैं हमारी दुकान मतलब हमारी पोशाक की शॉप है मुकुट श्रृंगार वगैरह जो होता है जी, जी। तो क्या कहते हैं जो हमारी शॉप पे ही वो पगड़िया देता था, हम उसे पैसे मतलब पगड़ियों का हमारा संपर्क था मतलब। अच्छा, पहले काम किया था आपकी दुकान पर वो हमारे मतलब पगड़ी बनाता था हमारे लिए। अच्छा, पगड़ी बना के हमें देता था। अच्छा अच्छा। तो फिर वो पगड़ी क्या कहते हैं हम लेते थे, अब क्या कहते हैं हमने देखा कि वो है उसकी, वो हमें शक्सा हुआ सर ने पकड़ लिया था। सर ने पूछा क्या है, हरीश नाम था उसका नाम था हरीश। तो सर ने पूछा कि आप हरीश का घर बताओ, तो हम हरीश के घर गए, उसके घर पे दबिश डाली, तो वहाँ से उसको उठाया, फिर उसने सब कुछ सच उगल दिया कि हाँ मैंने किया था मजबूरी में ये, और वो उसने ऐसे उगल दिया। क्या तुम फोटो स्टूडियो की दुकान पर गए थे कभी? नहीं, मैं कभी फोटो स्टूडियो की दुकान पर नहीं गया था। तो आपको फोटो कैसे मतलब कहाँ से लिया हुआ है? फोटो वो खुद ही बता रहा था कि मैंने किसी फोटोशॉप की दुकान पर बनवाया, जो कंप्यूटर वाली दुकान होती है उन पर मैंने फ़ोटो बनवाया है, तो उसका कंप्यूटर वाले को भी पकड़ा गया है जिससे बनवाया था, वो भी पकड़ा गया है।